ऑफ जर्नल के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फॉर्मेट, अब आप ये फॉर्मेट तभी यूज होगा कि हाँ जी हमें ट्रांजैक्शन को रीड करके ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि अकाउंट्स इन्वॉल्व क्या क्या हैं, हमें ये आइडेंटिफाई करना आ गया कि जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उसमें उनका नेचर क्या है और उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में क्या इंपैक्ट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कह रहे हो गए ये सब, चलो अब उसको कहाँ रिकॉर्ड करोगे, जर्नल में। क्या फॉर्मेट होता है जर्नल का, हेडिंग जर्नल इन द बुक्स ऑफ, बुक्स ऑफ कंपनी नेम आ जाएगा अगर आपको गिवन है, अगर नेम गिवन नहीं है तो भी आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, मेन कॉलम पर्टिकुलर्स, इसमें आएगी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री, एंट्री रिकॉर्डेड इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नल एंट्री। पहले आएगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, फिर आएगा कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वो तो मैं आपको भी बना के दिखाऊंगा, बट द पॉइंट इज पहला कॉलम डेट, उसमें आएगी डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आएगा कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। जर्नल एंट्री के नीचे आती है नरेशन, नरेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन कि उस ट्रांजैक्शन में हुआ क्या, कि अगर कमेंस बिजनेस विद कैश तो बस उतना ही आपको लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट्स में, कमेंस बिजनेस विद कैश, जनरल इंग्लिश, सिंपल सी इंग्लिश लैंग्वेज एक्सप्लेनिंग द अबव ट्रांजैक्शन। डेट पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में आप जर्नल एंट्री दिखा रहे हैं कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, जर्नल एंट्री के नीचे आती है आपकी नरेशन। नेक्स्ट कॉलम होता है लेजर फोलियो, लेजर फोलियो एक इमेजिनरी कॉलम होता है, आपको बस फॉर्मेट से एक बनाना पड़ेगा, उसमें आप कुछ दिखाएंगे नहीं। सर ऐसा क्यों, मीनिंग से पता चल जाएगा। लेजर फोलियो क्या होता है कि लेजर के कौन से पेज नंबर पे आपने ये ट्रांजैक्शन पोस्ट करी है, जैसे अकाउंट्स होंगे ना, रिकॉर्डिंग हो गई, फॉर एग्जाम्पल कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश डेबिट हो रहा होगा, कैपिटल क्रेडिट हो रहा होगा, तो कैश का लेजर बनेगा, कैश में ये एंट्री पोस्ट होगी, लेजर के कौन से पेज नंबर पे होगी, वो सब तो रियल लाइफ में होता था ना, जब एक्चुअल मैनुअल अकाउंट्स बनते थे, 50 50 मतलब 100 100 500 500 पेजेस की किताबें होती थी, तो आपको लिखना पड़ता था कि कौन से पेज नंबर पे लेजर बना हुआ है कैश का, तो ट्रांजैक्शन लेजर के कौन से पेज नंबर पे पोस्ट करी गई है, आप थोड़ी ना पेज नंबर लिखोगे यहाँ पे, बट इमेजिनरी कॉलम आपको मतलब ये फॉर्मेट से एक बनाना पड़ेगा, ब्लैंक रहेगा ये। फिर जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आ जाएगा, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो, लेजर फोलियो की विड्थ उतनी होनी चाहिए कि बस एल और एफ आ जाए, क्योंकि वो सिर्फ जगह घेर रहा है और कुछ नहीं। डेबिट और क्रेडिट अमाउंट कॉलम है, दोनों सेम साइज के अमाउंट होने चाहिए, जो सबसे बड़ा होगा पर्टिकुलर्स, ठीक है ना, तो डेट इतनी सी कि डेट आ जाए, मेन पर्टिकुलर्स क्योंकि उसमें आएगा आपका कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। लेजर फोलियो सिर्फ इतना पतला कि उसमें एल भी आ जाए एफ भी आ जाए, फिर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट दोनों बिल्कुल सेम साइज के कॉलम्स होने चाहिए, स्केल विड्थ ले लेना बड़े वाले की, अदरवाइज इतनी विड्थ कि उसमें आप 5 लाख 10 लाख नीटली लिख पाओ, इतनी विड्थ हो। तो जितना अच्छे से फॉर्मेट बनाओगे, फॉर्मेट तो फर्स्ट टाइम ही सीख सकते ना, एंट्री तो सीखोगे धीरे धीरे, फॉर्मेट फर्स्ट क्वेश्चन से ही परफेक्ट हो सकता है, होना भी चाहिए। डेबिट कॉलम क्या शो कर रहा है, डेबिट रिकॉर्ड, डी आर स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड, सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड, तो अगर कोई अकाउंट डेबिट हो रहा है तो उसका अमाउंट डेबिट कॉलम में आ जाएगा, कोई अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो उसका अकाउंट क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा। अब ध्यान क्या देना है, जब आप जर्नल एंट्री दिखा रहे हो तो जब भी आपने एनालिसिस कर लिया, एनालिसिस अब आप माइंड में कर रहे होगे क्योंकि एंट्री यहाँ पे डायरेक्टली दिखाई जाएगी, तो जो अकाउंट डेबिट होगा पहले वो आएगा और जो अकाउंट क्रेडिट होगा वो उसके बाद आएगा। जब आप रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हो, जब आप एनालिसिस कर रहे हो, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप पहले डेबिट वाला एस्पेक्ट लो या क्रेडिट वाला, लेकिन जब आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हो तो पहले आपको कौन सा अकाउंट शो करना पड़ेगा जो डेबिट हो रहा है, फिर कौन सा अकाउंट शो करेंगे जो क्रेडिट हो रहा। कोई भी डाउट, लेजर फोलियो क्या है, इट इज द पेज नंबर ऑफ द लेजर ऑन विच द ट्रांजैक्शन विल बी पोस्टेड। हमने क्या करा, मीनिंग एंड फॉर्मेट ऑफ जर्नल।